जिन कंट्रीज सर, हमारी दोस्ती है ना, उनके ऑफिसर हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं और हम उनके यहाँ जाते हैं। जैसे हम ओके इंग्लैंड जाते हैं, सर, अमेरिका जाते हैं, ऐसे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से ऑफिसर्स आते हैं, तो उनको भी मैं ट्रेनिंग देता था, जवानों को देता था, सूबेदार वगैरह जो उनको भी देता था। जब भी मैं ट्रेनिंग वाले यस मेरे अपॉइंटमेंट सर, थे वो सबसे अच्छे मुझे लगते थे, इसलिए मैंने जल्दी आर्मी छोड़ दी, 23 ईयर्स में छोड़ी। नेशनल डिफेंस अकेडमी से थे तो जल्दी यंग बन गए थे ऑफिसर, जल्दी ऑफिसर बन गए थे, और छोड़ के फिर अपना ओके सिविल सर, बना। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसा एंजॉय करोगे, आप बोलोगे सर ऐसे तो कोई नहीं पढ़ाता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कर दो कि ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस किस के स्कूल में हो गया है। मेरे को चैट बॉक्स में कर दो कि सर डन और नॉट डन, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बताओ डन के नॉट डन स्कूल में, सब लोग का कंफर्मेशन चाहिए। क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ जिस जिसके हाँ स्कूल में हो गया भाई कंफर्म कर देंगे तुमसे। सर फर्स्ट कैन आई आस्क अ डाउट ऑफ मैथ्स? हाँ पूछो पूछो, तेरा तो एक वॉल ऑफ डाउट भी बचा हुआ है ना, अभी वो मेरे को रिपोस्ट कर दे, मेरे दिमाग से निकल गया उसको देखना। ओके सर, एक जो पिछला वाला बचा हुआ है ना उसको रिपोस्ट कर दे। यस सर, हाँ पूछो पूछो पूछो। हाँ भाई गो अहेड। सर माय डाउट इज टू इक्वल क्वार्टर्स ऑफ अ सर्कल ए बी एंड सी डी टू इक्वल, क्वार्टर्स। एक मिनट होल्ड कर, डाउट है अपना एक खालिद का। ओके अच्छा आदि, क्लास में ज्यादा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, ये नोट्स आएंगे आपके पास, क्लास में सिर्फ मेरी मेरे मेरे को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये नोट्स क्लास के ओके बाद आएंगे आपके पास सारे जो बोलते हैं, और इनको मैं स्मार्ट नोट बोलता हूँ। मैं पूरे चैप्टर को क्या करता हूँ ना, बिल्कुल 20 मिनट में, 20 मिनट के नोट्स में कंप्लीट कर देता हूँ, पूरा चैप्टर निकाल के जो भी काम की चीजें बोर्ड पर डाल देता हूँ, तुम नोट्स सर, बनाओ 20 मिनट लगेंगे, और 90% के ऊपर मार्क्स आएंगे गारंटी मेरी दे, अगर तुमने नोट्स बनाए उनसे लर्न किया। आ गया ओके भारत सोनी। हाँ भाई क्वेश्चन बताओ गुरु खालिद। सर, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। गुड इवनिंग सर, या गुड इवनिंग भाई, लेट हो गया। हाँ ए बी एन सी डी। ऑफ अ सर्कल हाँ बोल बोल आगे बोल। वर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, प्रूव दैट पी बी इज इक्वल टू पी डी। ए बी एन सी डी एंड टू कर, ये तो हम तो कर चुके हैं, ये क्वेश्चन था उसमें, रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स सर, आर। हाँ सर, टू इक्वल कॉर्ड्स दे आर प्रोड्यूस टू पी। डायग्राम है यस सर है। पेज। ओके सर, ओके टू इक्वल कॉर्ड्स हैं एंड दे प्रोड्यूस टू मी सी डी, तो मुझे भी एक डाउट है। हाँ ओके लेता हूँ डाउट लेता हूँ। ओके हाँ भेज दिया। भरत अब तक तू डाउट बता अपना। सर सेंट, ओके पर तू ही बता साथ साथ अपना डाउट। मेरे दो डाउट है, एक मैथ से एक बायो से। ठीक ओके पहले बाया वाला पूछ ले। है सर, सर व्हाई एड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिजीज बट एज अ सिंड्रोम? व्हाई व्हाई एड्स एड्स इज नॉट, एड्स, अच्छा हाँ ये इज देखो नॉट कंसिडर्ड एज अ डिजीज बट एज अ सिंड्रोम? अच्छा पहले मैं एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये देख लो, क्योंकि आज के चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या प्लास्टिक का वो लिया एक, ये प्लास्टिक का वो कमर को जाने वाला एक्चुअली, और ये है एक सिल्क की शर्ट है ये इसको ऐसे वैसे मत समझना, ये 4000 5000 की शर्ट है, वाइनुजन की शर्ट है, प्योर सिल्क की। ठीक है, बट तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है, क्योंकि प्योर सिल्क की मेरे पास शर्ट एक ही है बस, तो इसको मैं रगड़ रहा हूँ। अब जब इसको रगड़ा, ये आज से 2500 साल पहले ग्रीक्स के दो फिलोसफर्स थे,
उनके बारे में भी बात करूंगा, उन्होंने भी किया था ये काम। तो होता क्या है, जब हम इस तरह की ये लेते हैं तो ये देखो, देख रहा है, देखा कैसे कैसे खींच लिया इसने, सारा यस देखा सर, देखा। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था, उससे इनको पता चला कि कुछ तो है। तो बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कुछ चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चले जाते हैं। तो अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन इससे शर्ट में चले गए, ये शर्ट नेगेटिवली चार्ज हो गई है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तुम बोलोगे सर ये पेपर तो आपने किसी चीज से रगड़े नहीं, ये पेपर क्यों इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो होता क्या ये है, नेगेटिवली चार्ज है। नहीं ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। तो होता क्या दोस्तों, कि जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आओगे इसके पास, पहले मैं स्केल यूज करता था और स्केल उतना इफेक्टिवनेस नहीं लग रहा मेरे को। तो ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो होगा क्या, इसके पॉजिटिवनेस की वजह से पॉजिटिव तो दूर चले जाएंगे यहाँ पे निश्चित, और नेगेटिव ऊपर आ जाएंगे, और इसकी वजह से ही इनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा, जो कि मैंने भी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये वैन हुसैन की सिल्क शर्ट है और ये जो तुम्हारे पेपर जो चिपक गए इसके, ठीक पेपर। अच्छा क्योंकि थोड़ा बहुत कम रगड़ते हैं तो 2 मिनट में वो चार चला भी जाता है, ज्यादा देर तक रगड़ेंगे तो वो दिख गया सबको। ओके ये यस आएगा, सर, आज की क्लास में यस कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अच्छा भाई पहले तुम्हारे डाउट क्लियर था। हाँ तो तूने बोला कि एड्स को सर ऐसा क्या है कि हम सिंड्रोम मानते हैं और डिजीज नहीं मानते। दोस्तों उसका रीजन ये है, देखो सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम एक एक तरह की चीज होती है जो सिम्टम दिखाती है, सिम्टम दिखाती है पर डिजीज नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि एड्स अपने आप में एक बीमारी है ही नहीं, एड्स अपने आप में बीमारी है ही नहीं। एड्स होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, एड्स होता है दो ड्रगी है, ड्रगिस्ट है, एक ही सुई यूज करते हैं ड्रग लेने के लिए, एक को साले को एड्स हो रखा है, एक को नहीं था, तो जब उसने उस दूसरे वाले की सुई यूज की तो हो जाता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होगा, ट्रांसफ्यूजन से होता है, एक बंदे को एड्स था, डॉक्टर ने चेक नहीं किया, ब्लड ले लिया, उसको दूसरे को दे दिया। तो जब भी ब्लड से ब्लड का कॉन्टेक्ट होगा, जब भी ब्लड से ब्लड का कॉन्टेक्ट होगा दोस्तों, तो एड्स हो जाएगा। तो एड्स क्यों नहीं माना जाता बीमारी, बिकॉज एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम। तो इसके अंदर अनकल्प होता क्या है, अनकल्प फोटो सही लगी तुम्हें अखबार में जो तुम्हारी फोटो आई है सर यस, भाई, और जिसका भी 90% एंड अबव है, या थोड़ा चलो 85 से भी बात है, मार्क्स आते हैं, मेरे को फोटो भेजो आपकी जो आप अखबार में चाहते हो, आपके मार्कशीट की फोटो भेजो, मैं तुम्हारा फोटो अखबार में डालूंगा, ठीक है मैं एक ही डालूंगा सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में आया तो भी डाल दूंगा। मेरा काम है अपने बच्चों को प्रमोट करना, तुम्हारा उत्साहवर्धन करना, तुम्हें क्लैपिंग करना, तुम्हारे लिए तुम्हें पैटिंग करना। मैं तुम्हारे पेरेंट्स की तरह नहीं करूंगा गया तो ये जो फिर बैठ गया फिर टीवी देखने लगा, मेरी आदत ही नहीं ऐसी। मैं तो तुम्हें सिर्फ प्रमोट करना चाहता हूँ, करो बेटा करो, करो करो बेटा, एनकरेजमेंट करना चाहता हूँ। तो मेरे को 85 से ऊपर भी आएगा तब भी करवा दूंगा, एक सब्जेक्ट में आएगा तब भी करवा दूंगा। भरत मेरा आम है तुम्हें एनकरेजमेंट देना, किसी ना किसी तरह तुम्हें सफलता की राह पे लगाना। ओके सो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम दोस्तों होता क्या है, इसके अंदर वायरस होता है HIV, ह्यूमन ये इम्यूनो बीमारी डेफिशिएंसी वायरस। भाई, भाई ये तो प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम एंड इसका कॉज है ये HIV, ह्यूमैनो इम्यून इम्यूनो वायरस। नहीं इम्यूनो वायरस, ह्यूमनो इम्यून वायरस। ये वायरस साला क्या करता है, बाकी डिजीज तो नहीं देता पर बंदे की जो इम्यूनिटी है, हमारे शरीर में जो ताकत है लड़ने की बीमारियों से, उसको बीमार खराब कर देता है। मेरे को हाथ में कट लगेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया भी बैठेंगे इस पे, बट मेरी बॉडी का जो सिस्टम है उसको धीरे से इसको सील करेगा, धीरे धीरे इसको हील करना शुरू कर देगा, थोड़ा पस आएगा जो बैक्टीरिया से लड़ाई होगी उसकी वो सब, बट धीरे धीरे ठीक।
मेरे को खांसी जुकाम हुआ, थोड़े दिन में मेरी बॉडी मेरे को ठीक कर गई और नेचुरल होती है। तुम लोगों को ये बात के जान के आश्चर्य होगा कि जब मेरे को हाथ में कट लग जाता है ना और डॉक्टर पट्टी करता है, तुम लोगों को लगता है वो पट्टी से ठीक होते हैं, हम पट्टी से ठीक नहीं होते भाई। जो हमें हाथ में चोट लगी है, जो हमारा ब्लड सिर्फ निकला पट्टी तक था, ब्लीडिंग निकले होती है ना। हाँ नहीं, पट्टी के दो काम है, पट्टी अभी यहाँ कट कट लग गया आपको तो डॉक्टर आपकी पट्टी कर देगा, ठीक है। पट्टी जैसे डॉक्टर ने इसलिए की है, एक्चुअली ब्लड तो रुक भी जाता कई बार, तब भी डॉक्टर पट्टी कर देता है, चलो ब्लीडिंग को रोक दिया। डस्ट दूसरा, और गंदगी से भी बचाता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन दे रहा है आपको, क्योंकि अगर अभी खुला रहे घाव, बैक्टीरिया इस पर घुस घुस के मारते रहेंगे, इसको आपने क्लोज कर दिया, बोला भाई तू सेफ है अंदर से। अब आपकी बॉडी इसको हील कर रही है, दवाइयां नहीं करती ना पट्टी हील करती, हमारी बॉडी ही खुद हील करती है, इम्यूनिटी हमारी उसको खुद हील करती है। और हमें लगता है कि पट्टी ने हील किया, ऐसा नहीं, हमारी बॉडी हील करती है। मैं तो, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं तो दवाई भी लेता हूँ, कटा गया अपने आप ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन खुद ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी तो होगा, पहले जो दवाइयां नहीं बनी थी, जो आदिवासी लोग थे, जो केव लोग वाले लोग थे, वो क्या करते थे, पत्ती बांध देते थे, पेड़ की पत्ती काटी बांध दिया उसको, बॉडी अपने आप पे ही करती, क्यों करती, क्योंकि इम्यूनिटी रहती है। ये वायरस क्या करता, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर देता, बिल्कुल वीक कर देता है। और एड्स का पेशेंट, एड्स से नहीं मरता, HIV से नहीं मरता, उसको कुछ भी इन्फेक्शन हो गया छोटा सा, वो इन्फेक्शन से मार देता, क्योंकि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म, इसलिए इसको डिजीज नहीं सिंड्रोम बोलते हैं। ओके भरत, आई एम कमिंग टू यू, बट बिफोर दैट लेट मी सी जो डाउट मैंने शुरू किया था खालिद का। ओके गाइस, लेट अस हैव अ लुक एट दिस, या आई एम शेयरिंग दिस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर सिंड्रोम और डिजीज में फर्क क्या होता है? तो मैं क्या बता, सिंड्रोम वो चीज होती है जो कि डिजीज तो नहीं है पर सिम्टम दिखाती है। सिंड्रोम क्या चीज है, सिंड्रोम वो चीज है जो कि एक बीमारी नहीं है, बट जैसे एक 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 सिंड्रोम होता है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ क्या, एक पत, जो पेड़ की हरी पत्तियां है ना, वो सारी पीली पड़ने लगती है। तो हालांकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, और लेकिन एग्जैक्ट डिजीज नहीं है। और दूसरी बात, सिंड्रोम और डिजीज में फर्क क्या होता है, सिंड्रोम फैलता ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, डिजीज कंपेरेटिवली कम लोगों को करती है, बट सिंड्रोम इज नॉट अ डायरेक्ट डिजीज, ठीक है, समझाया भरत। ओके सर, एक जैसे एक आजकल कोई को वर्ड मेरे को दिमाग में आ तो रहा था, ये सिंड्रोम सिंड्रोम हो गया, ये सिंड्रोम, जैसे आजकल सपोज करो आजकल के टीनेजर्स को मोबाइल ज्यादा खेलने की आदत पड़ गई, तो हम उसको बोलेंगे यार ये मोबाइल सिंड्रोम हो गया आजकल बच्चों में, समझ रहे मेरी बात, हालांकि वो बीमारी नहीं। अगर रोजाना बंदा 15 मिनट खेले, 20 मिनट खेले, आधा घंटा खेल ले, 1 घंटा खेल ले, तो बीमारी नहीं है, बट वो अगर प्रॉब्लम बन गई वो। ऑलराइट, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी सी डी अपना, पी बी इक्वल टू पी डी, पी बी पी डी, ओके ओके ठीक। तो डायग्राम, तेरे ही डायग्राम को यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ओके गाइस, सबको पता है कि व्हेन वी ड्रॉप अपर, वी कैन ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर एंड वी कैन ड्रॉप ए परपेंडिकुलर हेयर, ठीक है, इट विल मीट एट मिड पॉइंट। खालिद, यस सर, एंड देन सर इट आल्सो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हाँ 90 डिग्री पे मिलेगा मिड, हाँ, मतलब आदि आपने चैप्टर किया वही वाला क्या, अपना ये अपना सर्कल वाला, सर सर्कल वाला अभी नहीं हुआ, हमारे स्कूल में अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब आज। ओके। देखो सर्कल की तारीफ होती है कि अगर कोई कॉर्ड है और कॉर्ड के ऊपर आप 90 डिग्री का यहाँ से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, इसके दो पार्ट कर देगा इसके, अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर था टोटल पहले, अब 5 सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन ऋषित सो रहा है कि जाग गया, यस सर, ऋषित भाई सो रहा है कि जाग गया, जागा हूँ। ओके तेरी आवाज नहीं तो मेरे को थोड़ा शक हुआ। दोस्तों ये बताया है कि हमें इक्वल कॉर्ड है, खालिद इक्वल कॉर्ड है ए बी और सी डी, यस सर, तो अगर मैंने यहाँ सी डी का हाफ कर दिया, हाफ सी डी और हाफ ए बी कर दिया, तो ये भी इक्वल होंगे ना आपस में, है यस सर, होंगे। ना, ओके। नाउ
इन दिस इन दीज टू दो दो ट्राइंगल्स आए दोस्तों हमारे पास, एक ब्लू है और एक रेड है। मैं कर रहा हूं अभी, है नहीं, मैं कर रहा हूं। ये रेड ट्राइंगल है, ये ब्लू ट्राइंगल है। आदि देख लो, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्योमेट्री। देखो हमारे सर पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बहुत सारे रूल होते हैं। एस 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 होता है, एस ए एस होता है, ए एस ए होता है, आर एच एस होता है, और ए ए एस होता है। पांच हम आर एच एस को यूज करेंगे। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? माही, माही द साइड अपोजिट टू, माही साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपो टेन यूज, दस दस यूज है इसके। माही माई 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 सर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा दोस्तों, अच्छा प्रूफ क्या करना था इसमें एक बार बता देना खाली मेरे को। पीपीटी क्या है द प्रूफ? प्रूफ दैट एपी वो पीबी इज इक्वल टू पीडी। ओके, पी बी इज इक्वल टू पी डी। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान ध्यान से देखो। तो माही 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? माही भाई क्या बोलते हैं 90 डिग्री के अपोजिट साइड को? सर मैं बताऊं, यार ये माई ने मेरे को दुखी कर दिया बिल्कुल। हाँ बता भाई। हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल तो हो ही गया ना स्टार्ट, तो उसमें अनुकल्प वैभव 90 डिग्री का हो गया एंगल दोनों का, राइट हैंड राइट एंगल राइट एंगल। और उसके बाद 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है वो दोनों की कॉमन है, हाइपो हाइपो, और ये इसके बराबर है। क्यों भाई अब तो बता दे, ये क्यों कॉमन है ये दोनों भाई? सर मैं बताऊं, अबे यार इसको लड़की को तो बोलने दो। ओ भाई माता कहाँ हो तुम भाई? यार देख मेरे को मजा नहीं आता भाई ऐसे क्लास में इंटरेक्शन इंटरेक्शन ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता। स्टूडेंट जब तक इंटरेक्ट ना करें। वैभव आप बताओ, सर कैन यू रिपीट क्वेश्चन? क्वेश्चन रिपीट कहां था तू? ये इसके बराबर है क्यों? सर हम ओपी और ओपीबी तो कॉमन ले सकते हैं। अरे कुछ नहीं कॉमन ले, तो चुप रह 2 मिनट जरा। मैंने बोला कि ये 90 डिग्री का एंगल था, आर हो गया, ये अपोजिट साइड इक्वल है हाइपो हाइपो, ये इसके बराबर है क्यों? वैभव यार तू भी ना बिल्कुल बिहार जाके बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। ओके मैं गर्वित बताऊं, गर्वित सर गर्वित, ओएन बताना है ये इसके बराबर क्यों है? सर, क्योंकि इक्वल कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, इक्वल होते परपेंडिकुलर ये हमारी थ्योरम है भैया, हमारी थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। स्क्वायर्स। वेरी गुड खालिद शाइन, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं वो एक सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। अभी हमें बताया ए बी और सी डी इक्वल लेंथ की है तो भैया इक्विडिस्टेंट हो गई, ठीक है आदि, तो ये डिस्टेंस भी बराबर हो गए। तो इन दोनों सर ट्राइंगल यानी कि ग्रीन ट्राइंगल ब्लू रेड ट्राइंगल और ब्लू ट्राइंगल के अंदर माई तुम्हारी आवाज सुनिए मेरे को भाई, तो ये दोनों के दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो एनपी इज इक्वल टू एमपी, यस और नो यस सर खालिद? यस सर अंडरस्टूड। एमपी इज इक्वल टू एनपी, पर मैं एमपी को कैसे लिख दूं? क्या एनडी प्लस डीपी और पीडी, और इसको लिख दूं ऐसे सॉरी एमपी और एनपी, एमपी को क्या मैं ऐसे लिख दूं एमबी प्लस बीपी पीबी, एमबी प्लस पीबी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और एनपी को मैं लिख दूं एनडी प्लस डीपी और पीडी। बट दोस्तों एक बात बताओ, ये एमपी और एनडी तो इक्वल है क्योंकि सीडी की हाफ है, ये एबी की हाफ है, और एबी सीडी इक्वल है, तो दोनों को क्या मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो पीबी
इक्वल टू पीडी। खालिद यस सर, अंडरस्टूड। भाई आदि आपको समझ में आया, गर्वित समझ यस आया, सर, अनकल्प समझ आया, मैंने क्या किया यस दोबारा सर, बता देता हूँ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन मिला मेरे को, तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। भाई मुझे पहले माही से बात करनी है। भाई क्या हो गया भाई बच्चे तेरे को, सर तेरा अब आवाज आ रही है? जोश, मैंने रीज्वाइन किया अभी। हाँ अभी आवाज आ रही थी, ओके तो मेरा सर, जोश से यार नीचे चला गया था। हमने साला उरी पिक्चर देखी थी, उसमें बार बार पूछता भाई, एक्चुअली एनडीए में बहुत पूछते हैं, एनडीए में आर्मी में ना बहुत पूछते हैं, एनडीए में तो बहुत ही पूछते हैं, हाउ द जोश, हाउ द जोश। और अगर कोई बच्चा कोई जूनियर थोड़ा धीरे से बोले ना, तो लपाड़ भी पड़ता है उसको, गालियां निकलती है इंग्लिश में, भाई पकड़, यू डोंट हैव जोश, जी सर आई हैव जोश, आई हैव जोश, बोलता क्यों नहीं ऐसे। ठीक है, तो तेरा जोश मेरे को थोड़ा ढीला लग रहा है भाई, हाउ इज द जोश माही। हाय सर। ओके राइट गाइस, सो बेसिकली लेट्स हैव लुक एट दिस अगेन। सो बेसिकली हमें बोला कि दो इक्वल कॉर्ड है और उनको हमने एक्सटेंड कर दिया पी तक, और हमें प्रूव करना है कि ये ए बी था, ये सी डी था, हमें प्रूव करना है कि बी डी और सी पी इक्वल है। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दी, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप किया, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप किया, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 90 डिग्री ड्रॉप करते ही ये मिड, नहीं इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, अभी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जैसे 90 डिग्री ड्रॉप किया तो ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल, बट क्योंकि ये दोनों ही आपस में इक्वल है तो इनके हाफ भी एक दूसरे से इक्वल होंगे। दूसरी बात, इक्वल कॉर्ड पे जो वो डलते हैं वो इक्वल होती है, ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं, इसको मिला दो, इन दोनों को ले लो, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री आर, ये आर के अपोजिट हाइपो एच एच, और ये वाली साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस होती है इक्वल कॉर्ड, तो ये दो दो वो क्या हो गए अपना, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इसके बराबर होगी, बट ये साइड अगर इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो इसमें से ये निकाल दो और इसमें से ये निकाल दो, तो बचा ये, तो ये बी पी इक्वल टू खालिद। यस सर। ओके दोस्तों, अभी भारत का एक क्वेश्चन बचा है, इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूँ, कोई बात नहीं, चैप्टर मैं कल भी कंटिन्यू करा दूंगा, कोई नहीं, शुरू कर देंगे। हाँ भारत, एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ओके तूने कहीं डाला है क्वेश्चन, दोबारा बता दे मेरे को, मैं थोड़ा कुछ दूसरा सर उसमें डाला डाल नहीं है दूंगा, मैंने कहीं। दोबारा बता, दोबारा बता, हाँ बता यस सर, क्या क्या। चेक वेदर 7 + 3x हाँ इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। अरे यार तू बच्चे वाली बात कर रहा है, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं यार पहले, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, कभी भी फैक्टर चेक करना हो ना, आपने सिर्फ एक काम करना है, ध्यान दो सब लोग यार, निषेध ध्यान देना, अंकल खालिद, आप जिसको बोल रहे फैक्टर है वो बोल रहे ये फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 करो साले को, सबसे पहले जैसे ही इसको करोगे 3x + 7 = 0, 7 को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 3x = -7, और फिर ये रूल है आदि कि जो भी चीज यहाँ पे अगर ये है ना, इसकी अच्छा एक्सी वैल्यू निकालनी है तो मेरे को इसको सिंगल आउट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ ना कई बार वेस्टर्न यूपी में, मैं तो खैर रहा नहीं यहाँ पे, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे, आर्मी में था तो पूरी दुनिया में घूमता था, यहाँ तो कभी आने का मौका ही नहीं मिला, नोएडा में तो कोई आर्मी है ही नहीं, तो मैं यहाँ देखता हूँ लोगों को, लड़के ऐसे ना, टकड़े से लड़के ऐसे, और ऐसे चलेंगे ऐसे करके, ऐसे करके हाथ पे चढ़ा के, चार पांच लड़के आप साथ में, बट ये भी एक्सपीरियंस देखा गया है कि उनको अगर अकेले कोई चैलेंज कर दे तो उनकी टाई टाई फिस हो जाती है, उनके चेले चपाटों को अलग कर दो ना तो टाई टाई फिस, तो उसकी औकात बंदे की तभी पता चल जाती है ये कितना, तो किसी को अगर तुम्हें औकात पता करनी है तो उसको सिंगल आउट कर दो, अकेला कर दो, उसके आसपास के चेले चपाटे ना सब भगा दो, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने में, जैसे 3x + 7 है, इसको सब कुछ भगा दो, ये इसको सिंगल करना अकेले, तो सबसे पहले प्लस माइनस को भगाया, 7 को उधर भगाया माइनस हो गया, फिर इसको 3 को बोला गेट आउट, फिर बोला सर जा तो रहा हूँ, डांट के रहे हो, यहाँ यहाँ मल्टी में होता है, साइन चेंज होता है उधर जाके, इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ट्रांसपोज कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई -7/3, बस यहाँ रख दो, अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं, ओके 3 × -7/3 × -7/3 × -7/3,
क्योंकि 3 था, ठीक है, प्लस 7 × -7/3। किसी भी तरीके से लग रहा है कि ये 0 मिल बन जाएगा भरत, मुझे तो नहीं लगता, 0 होने के चांस ही नहीं लग रहे इसके, क्योंकि ये 3 है, बार 3 बार माइनस आ रहा है, तो ये वैल्यू 0 आएगी और ये 0 आएगी, ये 2 0 होके माइनस हो ही नहीं सकते। आंसर इज नो भरत। कभी भी पूछे, इसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, आई थिंक चैप्टर 1 का पार्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बोलती है कि जो भी फैक्टर पूछ रहा है उसको 0 इक्वल कर दो, जो वैल्यू आए वेरिएबल की उसको पॉलिनोमियल में डाल दो। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके 0 आती है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है। भरत 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 एक चीज, ना ना इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूं। देखो मेरे को पूछ रहा है कि x²-6x+9x-3 इसका फैक्टर है कि नहीं। मेरे को पता है कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया है अभी तुम्हारे सामने माइंड में, मुझे पता है इसका इसका बट तरीका तरीका x-3 को बोलो 0, x=3। अब 3 की वैल्यू यहां रख के देखो, अगर ये 0 आ गया तो फैक्टर है नहीं, तो नहीं। सो 3²-6×3+9, 3² हो गया 9, माइनस 6 3 18 प्लस 9, 18 9 प्लस 9 प्लस 9, 18 -18 इक्वल टू 0। सो x-3 इसका फैक्टर है भरत। यस सर। ये तरीका निकालना, इसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, चैप्टर वन का हिस्सा। या आस्क द सेकंड क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन मैंने सुपर ग्रुप में डाला है, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा लगता है जब तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो, इसका मतलब मेरे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। सारे ना कर रहे हो, कुछ तो कर ही रहे हैं। क्यों ऋषित? सर मेरा एक और डाउट है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का मैंने आपको बताया था, वो सुपर ग्रुप में अभी भी है, मैं रीपोस्ट कर दूं। वो जो उस दिन पूछा तूने, यस सर। वो अभी मैंने देख नहीं पाया, उसको दोबारा रिपोस्ट कर दो, मैं देख लो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1। काले दिया भाई। भरत तू क्यों मेरी गर्दन टेढ़ी करने में लगा हुआ है? मेरी उम्र में अगर मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई तो दिक्कत परेशानी सामने आ जाएगी। देखना अब इसको देखो कैसे, मैं तो गर्दन को ऐसे करो तो सीधा करके भेज सकता है क्या? सर अच्छा रोटेट कहाँ का भी ऑप्शन होता सर व्हाट्सएप पे, है इसमें रोटेट का हाल? हमारा तो कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तब मैं आपकी खाली स्क्रीन दे सकता हूँ। नहीं तू नहीं रोटेट कर सकता अपने लेवल पे? इधर तो नहीं आ जा नजर आ रहा है रोटेट का ऑप्शन। सर मैंने रोटेट करके सेंड कर दिया है। अच्छा स्मार्ट बॉय गर्वित गर्ग, बहुत बढ़िया। भरत तू भी कुछ सीख ले। अरे ठीक है सर। मैं तो देखता हूँ मेरी जनरेशन, खासकर मेरे 7th 8th 6th के बच्चे इतने तेज है टेक्नोलॉजी में। बोले सर व्हाट्सएप पे इस तरह से कर दो आप, ऐसे जाएगा मैसेज। ओके या बता क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 और सर मैंने भी भेजे विदाउट हैं। एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रहा है तुम्हें। एक थी अच्छा देख भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है सब लोग ध्यान से सुनो, दिस इज चैप्टर 2। अच्छा मैं देखता हूँ आदि पांडे कैन यू टेल मी दिस फॉर्मूला? ओके चलो चैलेंज है आपके और माही के बीच का कोई चैलेंज है। आइडेंटिटी भी नहीं है। ओके आइडेंटिटी है, x³ + y³ + z³ -3yxyz = x+y+z x²+y²+z² + xy। अच्छा ये तो मैं तो तुमसे पूछना ही था, मैं लिख ही दिया। आदि याद है आपको ये वाली? माई याद है ये आइडेंटिटी? सर ये कौन सा वाला, इसका x³ + y³ + z -3xyz। x²-3xy+y। हाँ ये वाला ये सर ये वाला आता है ठीक है, याद है माई? याद है माई? याद है? सर। ओके सो दोस्तों इसमें बात मजे की ये है कि अगर किसी तरह से हम वैभव x+y+z को 0 प्रूव कर दें, वैभव x+y+z को सर अगर 0 प्रूव कर दें तो मेरे पास आंसर आएगा x²+y³+z³-3xyz = 0, क्यों? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। भरत भरत
यस सर, सो मेरे को मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ठीक। अब तुम्हारे यस क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, ठीक है ना, एक्स वाई जेड उधर चला जाएगा, यस सर, है ना। आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें उसने क्या बोला है पता है, पार्ट वन में क्या बोला है? ही सेज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, एक्स इज इक्वल टू 12 -12, वाई इज इक्वल टू 7 एंड जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है कि नहीं भरत? यस सर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके देख लूं क्या एक बार, क्या आएगा? -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आया भरत? सर जीरो, जीरो, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितना है -12, वाई कितना है 7, जेड कितना है 5। 5 कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 5 12 5 जा 60, माइनस में आएगा आंसर 60, 60 इंटू 21, 60 इंटू 21 आंसर आएगा आपका 21 6 जा 105 इन 21 20, एक मिनट, हाँ ये 126 कैरी 12 126, ये सीधा ये आंसर हो गया भरत। यस दूसरा भी सर, ऐसी है, दूसरे का भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ रहा ओके सर, सब बस यही थे मेरे डाउट। है, ठीक है चलो। राइट गाइस, एनी अदर डाउट बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर? हालांकि पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, बट तुम्हें एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट दूंगा ताकि कल आपको अच्छा लगे। ओके नो राइट, तो ये मैं सारे नोट्स आएंगे आपकी ग्रुप में आपके। ठीक है दोस्तों, अपन मेन चैप्टर शुरू कर देते हैं अभी। तो चैप्टर 3 के अंदर हमने बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और मैंने ये समझाया था कि जो भी उसका एटॉमिक मास है, वो मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूल का, उसको हम मॉलिक्यूलर मास जो यूनिट में होता है एमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, यूनिट हटा के ग्राम लगा दो तो आपका मोल बन जाता है। मोल पे फिर हमने बहुत सारी बात की थी, हमने वो एवोगाड्रो नंबर की बात की थी, 6.22 × 10^23 23 उसकी बात की थी कि किसी भी एक मोल में इतने पार्टिकल मिलेंगे ही मिलेंगे जो मर्जी कर लो तुम, ठीक। तो चैप्टर 4 में थोड़ा सा इजी है बट अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा है, मैं समझा देता हूँ अभी आपको। दोस्तों कहानी शुरू होती है आज से करीब 2500 ईयर्स पहले, जबकि मैंने जैसा अभी आपको एग्जांपल दिखाया कि ग्रीस के जो लोग थे उनको ये बात पता थी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो। इसको मैं जनरली वाई ए लिखता हूं, ध्यान रखना। मैं देख नहीं पाया किस किस का चैप्टर हो गया है स्कूल में, तो भैया भार अनकल्प का हो गया, गर्वित हो गया, आदि हो गया, सब ऑलमोस्ट सभी का हो गया है, ठीक है। बट मुझे पक्का है कि तुम लोगों को समझ में कमी आया होगा क्योंकि चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको टीचर हैंडल नहीं कर पाते स्कूल वाले, लेकिन हम करेंगे। यहाँ पर देखो, 2500 ईयर्स अगो ग्रीक, एक दिन ये भी बताऊंगा ग्रीक है कहाँ पे और ग्रीक में इतनी बातें क्यों होती ग्रीस की, किसी और दिन बताऊंगा क्यों बात बात में हर वर्ड का ग्रीक से आता, बोला ग्रीक वर्ड ये है लैटिन वर्ड ये, क्यों एक दिन बताऊंगा। एक सवालों की ली थी एक दिन, मैंने क्लास पूरा समझाया था उनको। तो ग्रीक फिलोसफर्स थे, ग्रीक के जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं बोलते इनको, फिलोसफर्स ही बोलते हैं, जैसे अपना प्लेटो था, एरिस्टोटल था, सेक्रेटीज था, फिलोसफर। दो फिलोसफर्स थे, इनका नाम था ल्यूसिपस और इसका एक स्टूडेंट था इसका नाम था डेमो डेमोक्रिटस। इन दोनों ग्रीक फिलोसफर्स ने ये डिक्लेयर किया कि
स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर आपको चाहिए तो कीप ऑन कटिंग, कट करते रहो, कट कट कट। सपोज करो आपके पास एक रॉड है, उसके दो पार्ट कर दो, फिर उसके दो और कर दो, काटते रहो काटते रहो काटते रहो, फाइनली यू विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटोमोस, इसका मतलब था अनकटेबल, अनकटेबल या इंडिविजुअल, जिसको आगे नहीं काट सकते आप। अच्छा इन्होंने छोरी भी दी, इन्होंने बोला कि हर मटेरियल के जो एटम है वो अलग तरह के होते हैं, उन्होंने बोला डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट एटम्स। हालांकि आज हमें पता है बात इनकी सही थी, डाल्टन ने भी यही बात बोली थी कि किसी भी एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं, बट इनकी अप्रोच थोड़ी अलग थी। इन्होंने कहा डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट एटम्स, लेकिन इनकी सोच क्या थी, इन्होंने बोला आयरन के जो एटम्स होते हैं वेरी हार्ड और एक दूसरे से वो हुक से जुड़े रहते हैं, इन्होंने ये बोला उनके हुक से जुड़े रहते हैं एंड कनेक्टेड बाय हुक, इसीलिए हम आयरन को हिला नहीं पाते। जैसे इनसे पूछा किसी ने भाई क्ले मिट्टी जो होती, क्ले मिट्टी, क्ले के एटम कैसे होंगे, तो उन्होंने बोला क्ले के एटम जो होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़े होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो सबको पता होगा, ये हमारा शोल्डर होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है, सर एंकल, हाँ ये सॉकेट है हमारे शोल्डर की, यहाँ अंदर बॉल घुसी हुई है इसके अंदर, तो बोला बॉल एंड सॉकेट सॉकेट, तो ये कह के। बट इन्होंने कम से कम इतना काम कर दिया कि इन्होंने हमें एक वर्ड दे दिया जिसका नाम था एटमोस या एटम। ओके आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ नेक्स्ट, अगला प्लेयर कौन सा है गेम के अंदर देखते हैं। तो हमारे को वर्ड मिल गया एटम, ग्रीक फिलोसफर्स ने दे दिया एटम वर्ड। ओके उसके बाद दोस्तों बहुत टाइम लग गया, अराउंड 2000 ईयर्स ही मान लो, ऑलमोस्ट 1743 से लेके 1794 तक एक साइंटिस्ट जिया जिसका नाम था एंटोनी, एंटोनी लेवोआइजर। इसका नाम आया था चैप्टर 3 में, आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया, इस बंदे ने बहुत तगड़ा साइंटिस्ट था, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास। चैप्टर 3 के अंदर ये क्वेश्चन ये था कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, यानी किसी को चैप्टर 3 में ये पॉइंट आता है। यस सर, सब रिएक्टेंट हाँ, आयोडीन इतनी थी, इतना उसके साथ मिला दिया तो अब टोटल मास कितना होगा। तो इस बंदे ने, ये बंदा बहुत ही तगड़ा है, साइंटिस्ट माना जाता है दोस्तों, इस बंदे ने, इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, फादर ऑफ सर ग्रीक फिलोसोफर मॉडर्न केमिस्ट्री, नहीं नहीं एंटोनी लेवोआइजर, ये तो फ्रेंच था, फ्रेंच फ्रेंच फ्रांस का था मॉडर्न केमिस्ट्री। और जो आप लोग जैसे किसी का हाथ टूट गया, जैसे अभी अनकल्प का हाथ टूट गया थोड़े दिन पहले, तो अनकल्प ने जो प्लास्टर लगाया था, प्लास्टर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है, असली फॉर्म होती है, उसका असली नाम होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि डिहाइड्रेटेड जिप्सम होता है, उसकी भी खोज इसी नहीं करी थी, किसी बंदे ने की। अगर ये टाइम से बंदा नहीं आता हिस्ट्री में तो अनुकल्प कैसे टूटा था हाथ तुम्हारा, कौन मैं, तो तुम्हारे तो किसका किसका फ्रैक्चर हुआ थोड़े दिन पहले, बोला था मेरा फ्रैक्चर हो गया। अच्छा तो जिसका भी चलो फ्रैक्चर हुआ, ही शुड बी थैंकफुल टू दिस पर्सन, कि इस बंदे की वजह से मेरी हड्डी जुड़ गई। ओके ना दोस्तों ये बातें चलती रही, अब हमारा जो अगला खिलाड़ी आएगा उसका नाम था जोसेफ प्रोस्ट, और जोसेफ प्रोस्ट ने 1754 से लेके 1826 तक ये बंदे की लाइफ थी, जोसेफ प्रोस्ट।
प्राउस्ट या प्रोस्ट दोनों नाम यूज करते हैं, प्राउस्ट भी यूज हो सकता है। जोसेफ प्राउस्ट ने हमें एक वो दिया कि सर, इसकी थ्योरी एटम डार्टल की एटॉमिक थ्योरी में भी है। हाँ, डाल्टन ने इन दोनों को इंक्लूड कर लिया था। ओके, जोसेफ प्राउस्ट ने बोला, अच्छा ये जो मैं कह रहा था ना आपको मास और कंजर्वेशन ऑफ मास जो इसने बताया, एंटोनियो लवाजायर ने, इसने बोला था कि अगर हाइड्रोजन है आपके पास 2 ग्राम और ऑक्सीजन है आपके पास 16 ग्राम, तो जो आपको पानी मिलेगा H2O वो 18 ग्राम होगा। ध्यान रखना इसको। ये इस बंदे ने कहा था कि रिएक्टेंट का जो मास है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास से होगा। प्राउस ने क्या बोला, प्राउस ने बोला कि जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सर, ये तो प्रोपोर्शन। डाल्टन ने बोला था। नहीं, डाल्टन तो 1803 में आएगा। नहीं तो डाल्टन के बाप है ना, ये डाल्टन के बाप है ये सब, डाल्टन से पहले आ चुके, ओके डाल्टन बाद सर, में आया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि चाहे, आदि शुक्ला, आदि शुक्ला भी मेरा एक 10th का स्टूडेंट है, आदि पांडे, पांडे जी यस सर। देखो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर चाहे वो पाकिस्तान का पानी हो, चाहे वो यूएसए का पानी हो, चाहे वो इंडिया का पानी हो, हर जगह पानी ऐसा ही मिलेगा कि आपको 2 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे और एक एटम वाटर का मिलेगा। चाहे वो अमेरिका की गैस हो, चाहे वो वीनस पे मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे अर्थ पे मिलने वाली हो, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी कि इनका जो रेशियो 2:1, यहाँ 1:2 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। ये किसने बात बताई, जोसेफ प्राउस ने। इनके बाद आया इनका चेला जिसने इनको स्टडी किया और अपने जो 6 पॉइंट डाले थे इसमें 2 पॉइंट इनसे ले लिए, का नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, तो जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन जो है डाल्टन ग्रीक, ने तो 5 थ्योरीज थी ना, 5 पोस्टुलेट्स थे सर, छह 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 पॉइंट है उसके, मैं बताऊंगा कौन उसमें से से एक एक उन्होंने मतलब इनकरेक्ट हो गया ना। इनकरेक्ट, तो दो हैं लेकिन उनको मेंटेन तो करते हैं ना भी, वो तो कह के मर गया ना अपना बंदा, बंदा तो खत्म हो गया था ना। जॉन डाल्टन जो था भाई, इस बंदे ने 1803 में एक थ्योरी दी, ठीक 1803 में दी, और ये इंग्लैंड की एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ था, इंग्लैंड में पुअर फैमिली में, वीवर फैमिली एक्चुअली, इसके जो माँ बाप थे वो कपड़े बुनते थे। इसने मेहनत करी बंदे ने और ये एक टीचर बन गया, और टीचर बन के फिर कॉलेज का प्रोफेसर बन गया, मैनचेस्टर चला गया। मैनचेस्टर सबको पता है ना, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, उसके यस सर, आज की डेट में मैनचेस्टर फुटबॉल की यूनाइटेड, दो, हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड और दो दो है ना उसके फुटबॉल क्लब, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, मैनचेस्टर इंग्लैंड का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। टीचर बना, उसके बाद मैनचेस्टर में ही कॉलेज में प्रोफेसर में चला गया, कॉलेज तो काफी तरक्की करी लाइफ में बंदे ने इसने। और ये एक्चुअली टीचर के साथ था, तो ये एक बहुत बड़ा मीटियोरोलॉजिस्ट था, मीटियोर जो आते हैं ना ऊपर से गिरते हैं उनको पढ़ता था ये बंदा, उनकी स्टडी करता था। इस बंदे ने अपनी स्टडी करके इसने टोटल मिला के 6 पॉइंट दिए, इसको बोलते हैं डाल्टन थ्योरी, इसके वजह से उसका नाम है, अमर हो गया। आज की डेट में वर्ल्ड के हर बच्चा जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो डाल्टन मामा को अच्छे से जानता है। सर कुछ लोग तो इन्हें सरदर्द कह रहे हैं। उनको तो सर में दर्द रहने वाला है पूरी लाइफ में डाल्टन थ्योरी और पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट का मतलब था रूल, तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होता, कल को जब साले चाइना वाले तुम्हारा सारा जॉब ले जाएंगे तब बोलना, इंडिया तो इंडियन इंडियन फिर रिक्शा चलाते ही मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, जाग जाओ, अगले 20 साल में चाइना आने वाला है हमारे ऊपर जॉब, हमारे सारे लेने के लिए, इतना ताकतवर हो जाएगा कि भारतीय गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा उनके साथ। ओके, तो अभी तक समझदार हो जाओ और अपने आप को अच्छे से तैयार कर लो आने वाले टाइम के लिए, सर तो हम याद करके करेंगे जाओ। क्या? क्यों, चाइना वाले ऑटो रिक्शा थोड़ी चलाएंगे, उनको आते ही नहीं चलाना, रिक्शा तो तभी चलानी पड़ेगी। ठीक सर है, तो मतलब कोई सा तो प्रोफेशन लेंगे ना वो इंडिया से। हाँ वो आएंगे बड़े बड़े, वो उसमें आईटी में जाएंगे, वो प्रोफेसर भी बन के आएंगे यहाँ पे, रिसर्च करेंगे वो यहाँ पे, डॉक्टर बनेंगे यहाँ पे, ये मेरी प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, ये किसी के मुंह से नहीं सुना होगा तुमने मेरे अलावा।
मैं बता रहा हूँ आज से 20 से 30 साल, या तो इंडिया वाकई इतना मजबूत हो जाए, बट चाइना इतना ऊपर पहुंच गया है यार, स्पेस में कहाँ पहुंच गया है साला। अभी तो उन्होंने एक ऐसा, उन्होंने एक, तुम्हें पता है जितना सूरज के अंदर जितना हीट है उतनी हीट क्रिएट करके दिखाई है साउथ सूरज के कोरिया अंदर। ने किया है, नहीं साउथ कोरिया नहीं, 10 मिलियन चाइना, डिग्री चाइना सेल्सियस। चाइना ने किया, चाइना ने किया। और चाइना ने एक और चीज बनाई है, चाइना दिन को रात करने वाला उसने एक वो सैटेलाइट बना दिया। उसके अंदर क्या है देखो, एक मिनट लगा के बताता हूँ। सपोज करो यहाँ इधर बता, सपोज करो सन है, यहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है, और ग्लोब ऐसा है कि चाइना भी ग्लोब के पीछे है, इंडिया भी यहाँ पे है, हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, लाइटें जल रही है, अमेरिका में यहाँ पे लाइट आ रखी है, यूएसए में, यूएसए में जग जग जगमग हो रखी है। चाइना ने क्या किया, गया ऐसा सैटेलाइट बनाया जो कि मिरर है बहुत बड़ा, कि यहाँ यहाँ लगा देता है उसको, यहाँ लाइट पड़ती है, उसका एंगल ऐसा बनाता है कि जिस शहर को चाहे उसको रात को लाइट अप कर दे बिना लाइट के, सूरज सर को ये बिना। मैंने सुना था, सर ये करेक्ट है, कर दिया उसने, करके दिखा दिया है। मैंने भी ये सुना था। तो भाई जाग जाओ, मेहनत करने तय शुरू कर दो थोड़ा। ओके, डाल्टन पहुंचे, डाल्टन ने क्या बोला सबसे पहले, सर बट उसने बोला कि इसके तो लाइफ साइकिल पे भी प्रॉब्लम होगा ना। सब कुछ हो सकता है, बट वो चाइना को टेंशन नहीं है ना किसी की, चाइना ने तो साले दुनिया की बैंड बजा दी अभी है, कोरोना आधी की दुनिया वजह तो से बोलती है कोरोना वहीं से आया है, अब लोग कहते हैं कुछ साबित नहीं कर पा रहा, तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग यार, बहुत खतरनाक हो गए, बहुत पावरफुल बन गया, अमेरिका के होश उड़े उनकी वजह से, ऊपर से रशिया ने उनके साथ हाथ मिला लिया, अब कौन रोकेगा हम, तो हम सर क्या कर रशियन सकते आर्मी हैं। ज्यादा पावरफुल है वैसे तो। हाँ तो हमने तो भैया हमें क्या कर सकते, हम तो अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकते हैं यार, अच्छा कैरियर बना ले अपना, अच्छा अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, इससे पहले परेशानी आए। ओके, ऑल मेटीरियल और ऑल एलिमेंट्स बेसिकली मेड ऑफ एटम, डाल्टन एटम का पहला पॉइंट था ये। दूसरा, एटम कांट बी फर्दर स्प्लिट। फर्दर सर बट ये तो हो गया। अरे तो यार उस बंदे ने वो देखो 1803 में उसने ये दिया है, कहाँ कहाँ गया 1803 में उस बंदे ने ये बताया तुम्हें, उस वक्त तो देखा जाए तो मेरे दादा के दादा के दादा भी शायद से पैदा नहीं हुए थे, तो कोई बुजुर्ग इतना बढ़िया काम कर गया तो अभी उसकी बेइज्जती थोड़ी करनी, उस वक्त उसने बोल दिया अपने टाइम पे, वो तो बाद की बात है। ओके, एटम कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट। यस तीसरा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कांट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सर ये हमारी टीचर बोलती रहती है शुरू से ही। देखो दोस्तों, याद करने का भी एक तरीका होता है, अब देखो मैं कैसे फ्लो में चल रहा हूँ, कि सर चीज एटम से बनी है, एटम को और काट नहीं सकते हो आप, एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगला पॉइंट आएगा, हर एक एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, तो सेम एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये बिल्कुल आसान भाषा में सिखा रहा हूँ, ये बुक की भाषा नहीं है, ये रटना पड़े तुम्हें समझ लो बस, और एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। सेम एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, एटम डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। कितना आसान है, पांच हो गए। ओके, छठवा, छठवा है कि हाँ कंबाइन इन स्मॉल रेशियो, जो इसने बात कही थी ना कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली, ये 2:1 वाली, 1:2 वाली, दे कंबाइन इन स्मॉल नंबर रेशियो, कंबाइन एटम्स, कंबाइन एटम्स कंबाइन इन स्मॉल नंबर रेशियो, 2 मेक कंपाउंड्स। डाल्टन बाबा ने इतनी बात बोल दी थी, यहां तक ये सही थे, हालांकि इनके दो तीन पॉइंट बाद में गलत साबित हुए, यही मैं छोड़ूंगा आज तुम्हें, डाल्टन बाबा पे छोड़ दूंगा। देखो क्या क्या पॉइंट इनके गलत साबित हुए बाद में, सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने बोला था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये सही नहीं है, आइंस्टाइन ने बाद में दिखाया कि एटम को आप डिस्ट्रॉय करके एनर्जी बना सकते हैं, अब वो बात आधी सच है आधी खरा, डिस्ट्रॉय करके आपने कुछ तो बनाया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ना बनाओ, तो ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर से हम ये प्रूव करते हैं कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और एनर्जी मिल सकती है। तुम बोलोगे सर प्रोड्यूस भी पॉसिबल है क्या, साइंटिस्ट कामयाब हो गए हैं कि एनर्जी को यूज करके बहुत छोटे पार्टिकल, यानी कि वो
एटम से भी बहुत छोटे हैं, सब एटॉमिक से भी बहुत छोटे हैं। प्रोटॉन भी अब तक नहीं बना पाए साइंटिस्ट, पर इलेक्ट्रॉन बना चुके हैं, फोटोन बना पाए, बना पा रहे हैं वो एनर्जी से। तो इसका एक तो पहला ये वाला मामला थोड़ा सा शक के दायरे में आ गया। दूसरा, इन भाई साहब ने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम। तो इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत है कि जैसे एक एलिमेंट है, होता है, उसके अलग में आगे चल के तुम्हें आइसोटोप के बारे में बताऊंगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तीन अवतार होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1-2, हाइड्रोजन 1-3। कार्बन के तीन अवतार होते हैं, कार्बन का होता है 6-12, 12 कार्बन, 13 कार्बन एंड 14 कार्बन। सर ये इसके आइसो पार्ट बाद होते हैं ना? इनको बोल, हाँ, इन इनको 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 बोलते हैं आइसोटोप्स, आइसो बार नहीं, आइसोटोप्स। सर एक होता है आइसोटोप्स डिफ होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट सेम मास होता अलग है, होता है। हाँ, बार होता भार, बार होता भार, वो समझाऊंगा बाद में। भार मतलब मास, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम। नो, अब हमारे पास तीन एटम ऐसे हैं, आर्गन, पोटेशियम और तुम्हारा कैल्शियम। कैल्शियम, तीनों कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। हाँ, एटॉमिक नंबर अलग है, इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है। तो 20। कोई कहे कि तो भाई इनके तो एटॉमिक मास सेम है, तुम क्या बोल रहे हो डाल्टन भैया, गलत बोल रहे हो, तो ऐसे बोल सकता है। तो ये तीन चीजें जो है बाद में लोगों ने शक के दायरे में डाल दी। वो भी तो सर उन्होंने वो एटम कांट कांट भी हाँ, एटम फर्दर कांट भी फर्दर स्प्लिट, ये भी इसमें शक के दायरे में आ गया। इसके बाद तो यस। इलेक्ट्रॉन मिले, उसके बाद प्रोटॉन मिले, न्यूट्रॉन मिल गए, अब तो पॉजिट्रॉन है और बायजोन्स हैं, पता नहीं कितने सारे मिल गए हैं, बहुत सारे मिल गए। तो पर अपने टाइम के हिसाब से बंदे ने आज से 200 साल पहले, जब ट्रेन भी नहीं बनी थी यार, बाकी तो छोड़ो, सर सब एटम्स ट्रेन भी बनाने लगा। 1856 में आई है, ट्रेन इंडिया में 1853 में आ गई थी। ठीक 53 है सर, है दोस्तों, चलो, एनी डाउट्स? नो डाउट सर, नमस्कार। नो डाउट। ओके, दिमाग की दही तेरी अभी हुई नहीं, दिमाग की दही मेरे साथ होगी नहीं जब तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हारे दिमाग की दही नहीं हो सकती, और उसके लिए स्कूल के टीचर बहुत है। चलो, गुड नाइट गाइस। एनी डाउट? पहले पहला डाउट तो चाहिए। आदि डाउट, नो डाउट, अंकल नो डाउट, सर, भरत डाउट, गर्वेद डाउट, खालिद खान, माही नो रक्षना, सर, नो ऋषित, डाउट सर, नो हर्षिता, वैभव। हाँ भाई आदि, तुम्हें आया डाउट, समझ में? समझ में आया? सर, हाँ, आदि पांडे, चलो, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एंजॉय के साथ कल इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में ऐसा आएगा टक करके। ओके, इसके बाद चैप्टर 3 का भी तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया रिविजन कराने के लिए, वो भी कराऊंगा। ठीक है, ओके, एनी सर डाउट कैन वी डू फर्स्ट ज्योग्राफी चैप्टर 5? करा दूंगा, करा दूंगा। ठीक है, एनी डाउट आदि कंफर्म करो, अंकल, भरत, गर्वेद, जी खालिद, सर, माही, नो डाउट नो डाउट, गर्वेद, ऋषित। चलो सर, एक गाइस, क्वेश्चन पूछना टेक था केयर। सर, नो हाँ, डाउट सर, एक क्वेश्चन पूछना था, क्वेश्चन पूछ भरत, पूछ। सर, सुबह पढ़ना, अर्ली मॉर्निंग सुबह पढ़ना अच्छा होता है या फिर देर रात तक? एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग का फायदा ये होता है, या रात को पढ़ने का फायदा, कोई परेशान करने को होता है। अगर तुम पढ़ने वाले बंदे हो ना, तो मजा आता है बैठ के पढ़ने। मेरे को तो कभी भी, जैसे मैं अकेला बैठ के पढ़ता हूँ, रूम मेरा अपने रूम में, हमारे सबके अपने अपने कमरे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, किसी को पढ़ना, सब जाके अपने रूम में पढ़ लो। तो उसका फायदा ये होता है कि बाहर की आवाज ही नहीं आती, कोई हंस नहीं रहा, कोई खिलखिला नहीं रहा। तुम तो बच्चे, चल मैं तो संभाल सकता हूँ, तो तुम बच्चे, तुम्हारा मन करता होगा और क्या किस बात पे हंस रहे हैं, जरा देख तो लू जाके। तो सुबह पढ़ने से ये फायदा हो जाता है कि सुबह लोग सो रहे होते हैं, तुम उठ के पढ़ सकते हो, या देर रात को पढ़ रहे हो, सब लोग सो रहे हैं, तो कहीं किसी हंसने खिलखिलाने की टीवी की आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। यस, उसमें एक पॉइंट है कि सुबह उठ जाओ, पढ़ लो, उसके बाद फिर लेट जाओ, फिर थोड़ी देर सो जाओ। बट यू हैव टू फाइंड योर बेस्ट टाइम। राइट गाइस, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय। बाय सर। नोट्स नोट्स बना के भेजना मेरे को, नोट्स बना के भेजना। चलो, बाय 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 बाय।